दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले एशिया कप मैच के बारे में। सबसे पहले बात करें अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन तो डब्लू हसरंगा वासिंगू हसरंगा आपके लिए इस मैच के लिए केबीसी के लिए भी एक नंबर वन प्लेयर रहेगा, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है दुबई के मैदान के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे आपको स्पिनर्स को आखिरी के मैचेस में काफी ज्यादा मदद मिला हुआ है और खासतौर पर श्रीलंका की टीम के मैच जीतने के चांसेस भी ज्यादा, तो श्रीलंका के स्पिनर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देख सकते हो इस मैच आपको डब्लू हसरंगा वासिंगू हसरंगा हो गया, उसका मोहम्मद नबी हो गया, धनंजय डी सिल्वा हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको बॉलिंग ऑप्शन में बहुत सारे स्पिनर्स देखने मिलेंगे। राशिद खान हो गया, अहमद हिक्साना हो गया, मुजीबुर रहमान हो गया, उसके बाद यहां से जे वंदर से बहुत सारे स्पिनर्स इस समय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे मैचेस दुबई में होने वाले हैं और यहां पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को काफी मदद मिल रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यहां से हसरंगा हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, यहां से राशिद खान हो गया, अहमद हिक्साना हो गया, ये चारों के चारों स्पिनर आपके लिए काफी शानदार ऑप्शन रहने वाले हैं। खासतौर पर मोहम्मद नबी जो कि शुरू के ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, सामने श्रीलंका के तीन तीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होंगे। अब वहीं हसरंगा की बात करूं तो अगर श्रीलंका की टीम को मैच जीतना होगा तो अफगानिस्तान के खिलाफ हसरंगा आपके लिए कैबी के लिए नंबर वन प्लेयर रहेगा। वहीं का मैं राशिद खान की बात करूं, शुरू के मैचेस में फ्लॉप जाने के बाद जो हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेल करके आ रहे, उसके बाद इसने तीन मैचेस में काफी अच्छी बॉलिंग भी किया। उसके बाद हाल ही में आपने देखा था परसों ही के दिन में जहां पे 100 मैच की सीरीज के अंदर तीन विकेट लेकर के आया हुआ है। वहीं का अहमद हिक्साना की बात करूं, बॉलिंग से ओपन अटैक करेगा, शुरू के ओवर में मुझे लगता है बॉलिंग करेगा, दूसरा ओवर चौथा ओवर शुरू के ओवर में आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं आपको आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा, उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो या फिर आप स्मॉल लीग में परफेक्ट टीम बनाना चाहते हो या फिर इस मैच का आपको पिच रिपोर्ट जानना हो, प्लेइंग 11 प्लेयर्स बैटल, कौन सी टीम मैच जीत सकते हैं, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आप चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो सो जाने का लाइनअप आ जाने का, तो इसी मैच की हमारी फाइव टीम से हो तो फिर आपको टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पर ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखो मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स आना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखो मिल जाएगा। वहां भी ना मिले तो सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जा करके सर्च मार सकते हो @RVDChampion, आप जैसे सर्च मारोगे आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखो मिल जाएगा, वहीं पर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केबीसी सभी चीजें तो सो जाने का लाइनअप आ जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले यहां से बात करें तो अपने इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, ये जो मैच हो रहा है ये आपको दुबई के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपको आखिरी के पांच मैचेस में 129 रन का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, लेकिन बड़े लेवल के यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस की मैं बात करूं तो आखिरी के जो छह मैचेस वो वहां पे करीब करीब आपको यहां पे 169 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि जब भी बड़ी टीमें खेलती हैं तो यहां पे हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल जाता है। और सेकंड एडवांटेज ये, जो भी टीम यहां पे चेजिंग करेगी उस टीम को मैच जीतने के 80% करीब चांसेस रहने वाले, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है पहले बॉलिंग करने का यहां पे फैसला लेने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पे स्पिनर्स को सेकंड इनिंग के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलता है इसके ऊपर, तो पहले इनिंग के हिसाब से जो भी टीम सेकंड बॉलिंग करे उसके स्पिनर्स के ऊपर आपको ज्यादातर फोकस करके टीम बनाना चाहिए, और जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके फास्ट बॉलर यानी कि शुरू के ओवर्स में बॉलिंग जो करेगा और आखिरी के ओवर्स में जो बॉलिंग करेगा वो आपके लिए जरूरी प्लेयर बन जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो नवीन उलाक जो कि आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा आपके लिए जरूरी पिक बन सकता है। उसके बाद मैं आपको और एक प्लेयर एफ फरूकी जो कि आपको आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, एक और बॉलर आपको देखने मिलेगा यहां से एफ मलिक ने आखिरी अपने चार मैचेस खेले हुए दुबई के मैदान की मैं बात करूं, दुबई के मैदान के बाद आखिरी अपने चार मैचेस खेले हुए वहां पर आपने देखा हुआ जहां इसको 7 विकेट मिला हुआ, यानी कि आखिरी के चार मैचेस में इसका दुबई के मैदान के बाद रिकॉर्ड काफी शानदार है, ये चीज को फोकस करना है। लेकिन मुझे लगता है शायद प्लेइंग 11 में आपको नजर ना आए। जे वंदर से जो कि एक खास स्पिनर बॉलर है और काफी अच्छी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर श्रीलंका की टीम इसको प्लेइंग 11 में खिलाएगी और अगर श्रीलंका की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो मुझे लगता है आपके लिए जरूरी प्लेयर बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस वजह से शायद प्लेइंग 11 में ना रहे, क्योंकि एम तिक्साना हो गया, उसका डब्लू हसरंगा हो गया, दो स्पिनर्स पहले ही से टीम के पास इस समय मौजूद है। उसके बाद मैं यहाँ से बात करूँ इसके अलावा दो और स्पिनर्स आपको देखने मिलेंगे, पी जया विक्रमशेखर और उसका क्वेश अहमद, ये दोनों भी मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से अफगानिस्तान की टीम की ओर से आपको देख मिलने वाला है कि यहाँ से राशिद खान, मुजीबुर रहमान और रवीन उलक और एफ फरूकी, ये चार बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे। पांचवा बॉलिंग ऑप्शन यहाँ से मुझे लगता है मोहम्मद नबी और यहाँ से एक दो ओवर बॉलिंग करीम जैनत या फिर यहाँ से ए ओमर जाई में से कोई भी एक प्लेइंग 11 में आपको नजर आ सकता है, वही बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ जाएगा। मुझे लगता है कि मोहम्मद नबी ने जो दुबई के मैचेस के अंदर दुबई के मैदान के ऊपर बॉलिंग से काफी अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ है, एक मैच ऐसा गया जहाँ इसको चार विकेट मिले, एक मैच ऐसा गया जहाँ इसको बॉलिंग से दो विकेट मिला, एक मैच ऐसा गया जहाँ इसको एक विकेट मिला हुआ है और एक मैच ऐसा गया जहाँ ये विकेटलेस गया हुआ है, यानी कि दुबई के मैदान के ऊपर इसका बॉलिंग से रिकॉर्ड काफी अच्छा और सामने श्रीलंका की टीम के पास लेफ्ट हैंडर बॉलर्स भी है तो बल्लेबाज भी है, तो वहां पे आपको विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं मोहम्मद नबी। उसके बाद यहाँ से धनंजय डी सिल्वा, मुझे शायद से लग रहा है कि इस मैच प्लेइंग 11 में नजर ना आए क्योंकि कई सारे स्पिनर्स हैं, तो मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर
बॉलर के साथ जा सकती है श्रीलंका की टीम। सी करुण रत्न, मुझे लगता है एज अ बॉलर आपको खेलते हुए नजर आने वाला, आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा, आखिरी ओवर में बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ सकता है। बात करें यहाँ से बल्लेबाज ऑप्शन सबसे नंबर 1 स्पिन इशांका जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा और इस समय की श्रीलंका की टीम का सबसे मेन बल्लेबाजों में से एक है। आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग किस भी टीम से मिस नहीं करना चाहिए। उसका सी श्रीलंका हो गया, नसीबुल्ला जादरान हो गया, ये 3 प्लेयर्स आपके लिए काफी जरूरी रहेंगे। एंड जादरान आपको खास तौर पे तब अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं जब अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करे। अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करे तो एंड जादरान को आपको अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग किस भी टीम से नहीं निकालना है। यहाँ से बात करें तो मुझे लगता है कि इस मैच में या तो फिर गुरबाज चलने वाला है या तो फिर आपको यहाँ से देखो मिलेगा जिसका नाम है एच जजई। आपको एक काम करना है कि अपनी टीम में एच जजई और यहाँ से आर गुरबाज में से किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में रखना है। दोनों बल्लेबाज में ओपनिंग करेंगे अफगानिस्तान की टीम और मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक प्लेयर ऐसा जरूर होगा जो कि इस मैच में फ्लॉप होगा, जिसका नाम है यहाँ से एच जजई और यहाँ से आर गुरबाज में से कोई एक जरूर फ्लॉप होगा और उस तरीके से आप लेकर के चल सकते हो। मैं किसको लूंगा उसके आगे बात करेंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए ये कहूंगा कि अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा जिसका नाम है एच जजई। वहीं अगर अफगानिस्तान की टीम चेजिंग कर रही है तो फिर मैं यहाँ से आर गुरबाज को लेकर के चलूंगा। ये एक चेंज मेरी टीम में हो सकता है। अभी फिलहाल के मैंने मजबूरी में आर गुरबाज को लेकर के चला हुआ। यहाँ से बात करें श्रीलंका की टीम का तो मुझे लगता है कि ये सब तो जरूरी रहेंगे, लेकिन बी राजा पक्षे हो गया, यहाँ से कुशल मेहंदीस हो गया, ये दोनों में से मैं किसी एक प्लेयर को लेकर के चलूंगा। बी राजा पक्षे को अपनी टीम में तब लूंगा जब श्रीलंका की टीम चेजिंग कर रही होगी, वही कुशल मेहंदीस को अपनी टीम में तब लूंगा जब श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही होगी। कुशल मेहंदीस का आखिरी के मैचेस में रिकॉर्ड काफी शानदार है, बल्लेबाज में 5वें नंबर पर आएगा और एक ऐसा प्लेयर जो कि काफी लंबे लंबे छक्के चौके मार के दे सकता है और एक ऐसा प्लेयर जो कि लंबी इनिंग भी खेल के दे सकता है। मान लो श्रीलंका के 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, वहां पर कुशल मेहंदीस आपको एक अच्छी खासी बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, जिसने हाल ही में हमें 2 से 3 मैचेस अपने दम को मैचेस भी जिताने में मदद किया हुआ है। बी राजा पक्षे की बात करें श्रीलंका की 20 ओवर के मैचेस का स्पेशलिस्ट प्लेयर है, हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, सिर्फ 20 बॉल अगर खेल लिया तो वहां पे 40 के करीब स्कोर बना करके जा सकता है। तो पहला चीज मैं बी राजा पक्षे कुशल मेहंदीस में से किसी एक लूंगा, दूसरा यहां से मैं एच जजई और आर गुरबाज में से किसी एक प्लेयर को पिक करके चलूंगा जो कि मैं अपने टॉस होने के ऊपर इंतजार कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं यहां से लेकर के चलूंगा जिसका नाम आपको यहां से देख मिलेगा बी राजा पक्षे को। उसके बाद यहां से बात करूं तो उस्मान घानी जो कि बल्लेबाज में 3रे नंबर पे मुझे लगता है कि आएगा और लगातार हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दे नहीं पा रहा है। एक मैच चल रहा है फिर दूसरा मैच फ्लॉप हो जा रहा है, फिर एक मैच चल रहा है फिर दूसरा मैच फ्लॉप हो जा रहा है। आज ज्यादा कई मैचेस में बल्लेबाज में 3रे में भी आ रहे, कई मैचेस में 5वें में भी आ रहे, तो कुछ भी कंफर्म नहीं, तो इसको भी लेकर के नहीं चलने वाला। अब यहां से आपके लिए एक ही अच्छा प्लेयर बन सकते हैं जिसका नाम आपको यहां से देख मिलेगा एच जजई। इसको आपको अपनी ग्रैंड लीग में यूज करके चलना है। विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशल मेहंदीस को अपनी ग्रैंड लीग में लेकर के चलना है। मुझे नहीं लगता दिनेश सांदीमल को मौका मिलने वाला है, और अगर इसको मौका मिलेगा और ये बल्लेबाज में अगर ओपनिंग कर रहा होगा तो बिना कुछ सोचे मैं अपनी स्मॉल लीग में इसको लेकर के ही चलने वाला हूं। ये चीज को फोकस करना, अगर दिनेश सांदीमल खेल रहा हो बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा तो जरूरी प्लेयर बन जाएगा। आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, विद्यु टीम में करी इनिशियल टीम है जहां पर मैं आपको एक डेमो टीम बना के दे रहा हूं एक प्लेयर के एनालिसिस बताने के लिए। बाकी अगर आपको इस मैच की हमारी 5 टीम से हो तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा जहां पर ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखो मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना आपके लिए मस्ट पिक होने लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो ज्वाइन होना बिल्कुल ही मत भूलना। वहीं पर मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजें टॉस हो जाने का लाइन अप आ जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। इसके बाद बात कर अपने बॉलिंग ऑप्शन है तो ध्यान सुना, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं नवीन उलहक को लूंगा जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, आखिरी ओवर में बॉलिंग करेगा, वहां पे विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं अगर अफगानिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है, अगर अफगानिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो आप लोग मुजीबुर रहमान एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। तो ये चीज टॉस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैं तीसरा बॉलर कौन सा लूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ से मुजीबुर रहमान या फिर नवीन उलहक में से किसी को भी ले रहा हूँ। बाकी अगर पहले बॉलिंग होगी तो नवीन उलहक को लूंगा, वरना फिर मुजीबुर रहमान को सेकेंड इनिंग में लेकर के चलूंगा। मुझे लगता है जे यहाँ से वंदर से हो गया, उसके बाद एम पाथिसाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, आखिरी के उसमें बॉलिंग करेगा, आप चाहो तो लेकर के जा सकते हो। लेकिन जब भी बड़े लेवल के मैचेस की बात आती है वहां पे एम थिकसाना विगलेस मैक्सिमम मैचेस के अंदर चला जाता है। एफ मलिक का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, एफ मलिक और जे वंदरसे में से कोई भी आपको प्लेइंग 11 में नजर आ जाए तो आप लोग मेनली ग्रैंड लीग की टीम है जीएल की टीम में लेकर के चलना ही चलना होगा। दोनों में से कोई एक बॉलर ऐसा हो सकता है जो कि आपको 3 से 4 विकेट लेकर के दे सकता है और अपने दम को आप
आपको मैच भी जिता करके ले जा सकता है। उसके अलावा यहाँ से कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं है। अरुण का ऑप्शन है धनंजय डी सिल्वा, बल्लेबाज में काफी नीचे आएगा, सिक्स नंबर करीब, बॉलिंग से भी मैक्सिमम एक दो ओवर करेगा, तो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। धासुन सनाका भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि श्रीलंका की मैच हार रही होगी तो वहाँ पे कम बैक करा करके दे सकता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। सी करुणरत्ने की बात करें आखिरी के उसमें बॉलिंग करता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका रिकॉर्ड कोई ज़्यादा बहुत अच्छा है भी नहीं, तो लेकर के नहीं चलने वाला। उसके बाद बात कर अपने 11वें प्लेयर की, तो मैं याद फिर यहाँ से कुशल मेहंदीस को लूँगा। अगर श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो उस याद फिर मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा जिसका नाम एच जजई। उसके बाद याद फिर मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा जिसका नाम आपको यहाँ से सी करुणरत्ने देखने को मिल सकता है। बॉलिंग ऑप्शन है आपको यहाँ से एफ फरूकी हो गया, और एफ फरूकी जो कि आखिरी के उसमें बॉलिंग करके दे सकता है नवीन उल्लाह के साथ, उसका मुजीबुर रहमान। ये चार पाँच प्लेयर्स में से किसी को लूँगा अभी फिलहाल के लिए मैं लेकर के चल, जिसका नाम है यहाँ से मुजीबुर रहमान। बात कर लेते हैं अपने केवीसी के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आखिरी के छः सात महीनों से आपका पूरा पैसा जो है सिर्फ बस 11 चैलेंजेस से आपको लगा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है आपको सबसे ज़्यादा लो एंट्री फीस जो 11 चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे कहने पर बस एक बार अपने 1000 रुपये लगाओ, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो बिना हारी आपके 1,000 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। उसके भी पर्स आपको 4 से 15% के बीच बोनस के भी पैसों का यूज करने को मिलेगा। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा, अभी का भी वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने लो तो आप भी ज्यादा यहाँ पे खेला आपको जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं अभी तुम्हें कैप यहाँ से हसरंगा के साथ जा रहा हूँ, अभी से यहाँ से राशिद खान के साथ जा रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर ये दोनों में से आप किसी एक बॉलर को अपनी टीम से मिस करके चल सकते हो, यहाँ से मुजीबुर रहमान और नवीन उल्लाह में से आप लेकर के चल सकते हो, यहाँ से कुशल मेहंदीस को और यहाँ से जजई को, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं इस मैच के लिए। उम्मीद है दोस्तों एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सुन गए लाइन पानी का हमारी फाइव टीम से हो टेलीग्राम सर को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बॉक्स सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको 11 चैलेंजेस या फिर कुबेरा ऐप से लेकर के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोचे हमारे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर देना, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। एक घंटे के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।